भगवंत भाई जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हौसला अफजाई की है हर एक लीडरशिप का, जिनी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है सारे का बहुत धन्यवाद। तो सब तो वड्डा धन्यवाद पंजाब दे मीडिया जिहड़ा इत्थे सारा पहुँचा होया, तो शामिल होने तो पहले ही जो मैनू हौसला अफजाई आ रही है, जो कल दे सानू फोन आ रहे ने कि तुसीं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, सानू खुशी है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक इमानदार पार्टी है जिथे कुर्सी की भुख नहीं आ, लोगों के हितों की भुख है। गायकी दे विच मैं पा लिया बहुत कुछ पा लिया, शोहरत पा ली, दौलत पा ली, पर सुकून नहीं मिलिया मन नूं कदे भी। स्टेजा दे भी मैं बहुत बोलियाँ कि शुरू तो बचपन तो अज दी नहीं, मैं जदों दा होश संभालिया उदों दा मैनूं रोस है सरकारां नाल, मैनूं किसे बंदे नाल रोस नहीं है पर इस सिस्टम नाल रोस है जिथे किसानां दीआं फसलां मंडियां च रुलदियां ने, जिथे मजदूर सड़कां ते रुलदे ने, इन्हां दीआं महलां दीआं इट्टां विच दी किसानां दी जां मजदूरां दी दुखां दी आवाज़ नहीं जांदी, जिथे धर्मां दे नां ते राजनीति हुंदी आ। एंड आम आदमी पार्टी है जिहड़ी इह धर्म निरपक्ष पार्टी आ, किसे धर्म दे नां ते नहीं विकास दे नां ते राजनीति करदी आ। अज जिहड़ा मेरा कारण आउण दा, मैं बहुत देर दी किसे राजनीतिक पार्टी च हुंदी क्योंकि जरूरी आ इत्थे जिहड़े राजनीतिक परिवार इन्हां ने ठेका नहीं लिया कि यही बेईमानी वाला हत्था जिहड़ा इन्हां दे हत्थां च बेईमानी दीआं लकीरां ने जिहदे नाल लोकां नूं लुट रहे ने। सो जिहड़े साडे असीं जिमीदार परिवार चों, मैं मेरे पापा किसान ने, सो किसान परिवार चों मैं संबंध रखदी हाँ, तो मैं फैसला लिया कि मैं इस संगठन का हिस्सा बनांगी क्योंकि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली दे विच एक बदलाव लिया, एक लहर चलाई है जिथे सिक्ख्या तो ला, औरतों की सुरक्षा तो ला, विकास तो ला, हर एक जो लोगों का पैसा लोगों पर लगाया गया एंड कितना बदलाव लिया रहे ने, सोचो होर अगे 5-10 साल उत्थे की, क्योंकि दिल्ली वर्गा जिहड़ा संघना शहर है जो उत्थे बदलाव सकदा, तो इस पंजाब वर्गे खूबसूरत सूबे दे विच जिथे लोगों का क्रांतिकारी खून है, जिथे लोग एक सच्चे बंदे नाल जुड़दे ने, जे उही पार्टी इत्थे आउंदी आ तां उस चीज़ का साढ़े पंजाब दे विच कितना वड्डा फायदा होना। सो इस चीज़ नूं जिहड़ा तुसीं लैके जाणा है, मीडिया ने लैके जाणा, जिहड़े मेरे वीर मेरियां भैणां इत्थे बैठियां, क्योंकि अज लोड़ है, जे तां असीं इन्हां दे थल्ले लाके रहिणा जिहड़े परिवार राजनीति चला रहे ने, बादल ने, कैप्टन साहब ने, बादल साहब ने, इन्हां दे परिवार अगे इन्हां दे बच्चे राजनीति कर रहे ने, इह असीं राजनीति को इत्थे कोई नहीं करदा, इत्थे कोई कुर्सी लई नहीं लड़दा, इत्थे लोकां दे हक्कां लई लड़न लई सारे बैठे ने कि लोकां नूं हक दवाए जाण। मेरी जिंदगी, मैं अज कह रही हां, मेरी जिंदगी पंजाब लई समर्पित है। जे भगत सिंह 23 साल दी उम्र च शहीद हो सकदा, मेरी उम्र 29-30 साल दी, 30वां साल आ मैनूं कोई किसे दा डर नहीं आ। मैं मेरी जिंदगी अज तो बाद मैं सिर्फ पंजाब दे लेखे लाउणी है, मैनूं जिथे आवाज़ चक्कणी पई आम आदमी पार्टी दा वर्कर तो लैके लीडरशिप तक, मैनूं जिथे कोई कहूगा इत्थे आके अनमोल खड़ना, इत्थे आके बोलना, कोई मीडिया दा बंदा मैनूं कहूगा इत्थे आके खड़ना साडे नाल, क्योंकि असीं सारे आम घरां दे बच्चे हाँ, जिन्ना मीडिया भी खड़ा थोड़े भी धी पुत्त। सो इन्हां लोटुआं दे थल्ले ला के असीं किन्नी देर जिउणा है, किन्नी देर, क्योंकि 1947 च एक देश नूं नाम दा आज़ाद कर दिता गया, पर जिहड़े मीर जाफर ने जिन्हें 200 साल तक साडा मुल्क गुलामी च रख्या, ये मीर जाफरां दी आत्मा इन्हां लीडरां च हुण आई होई है। जे इन्हां च मीर जाफर दी आत्मा साडे च भगत सिंह दी आ, साडे च करतार सिंह सराबे दी आ, साडे च ऊधम सिंह दी आ, असीं तैयार बैठे हाँ इट नाल इट खड़काउण नूं। ते मैं अज इस काम च उतर रही हाँ क्योंकि मैनूं कोई संगठन नहीं मिल रहा सी, मैं इन्हां लोटुआं च तां जाणा नहीं सी। जदों मैं दिल्ली च काम हुंदे देखे, जदों मैं भगवंत मान वीर वर्गे एक लीडर देखिया जिहदे च एक जज्बा, जिहदे च लोकां लई बोलण दा जज्बा, इह नहीं मैटर करदा कोई कलाकार आ कोई की आ, मैटर करदा तुहाडा अपने पंजाब लई, लोकां लई, गरीबां लई। गरीब इत्थे कोई नहीं आ, गरीब तां लोक ने, असीं राजे हाँ, असीं वोट पाउंदे हाँ, इह सेवक ने। सो सेवक नूं सेवक बण के रहिणा चाहीदा, मालक तुसीं हो, मालक असी हाँ जिहड़े असी वोट पाउने आ। सो असी मालक नूं मालक बनाउणा ते सेवक नूं सेवक बनाउणा, सो इस चीज़ लई असी आए हाँ। ते मैं उम्मीद करदी हाँ कि पंजाब दा मीडिया निरपक्ष हो के, मैनूं पता क्योंकि कल दा जो मैं पोस्टां ऑलरेडी पै रही ने उस चीज़ तो मैं बहुत खुश हाँ। ते जिन्नी इस इन्हां दी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी तो लैके जरनैल जी बैठे ने, बहुत कमाल दे इंसान लीडर,
भगवंत मान वीर की मैं कोई तारीफ दे नहीं कर सकती। इन्होंने बहुत इनकरेज किया इस चीज़ लिए, क्योंकि जो जनून जो जज्बे नाल बेधड़क हो के हर थां ते बोलते हैं वो एक, क्योंकि कई बार लोग कमियां कढ़दे ने, कल मेरे च भी कढ़णगे, क्योंकि जो ये किसी की किसी नाल दौड़ ना सकन फिर उहदियां लत्तां खिंचन लग जांदे कोई ना कोई कढ़ के। सो असी ये देखना कि विकास कौन करा रहा ते धर्मां दे नां ते वोटां कौन लै रहा। सो ये चीज़ के उत्ते असी संगठन आ, इत्थे सानू कोई मतलब नहीं किसी वोट नाल किसी राजनीति नाल, असी रल मिल के एक दूजे के हकों लई लड़ना, असी पंजाब नू एक खूबसूरत पंजाब बनाउणा ते तुहाडे सहयोग तो बिना कदे भी नहीं हो सकता। मैं एक मिनट पुछ, देखो मेरी पहली तरजीह इस संगठन नूं आ, लोगों के हितों नूं आ, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से मेरे ना करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। सो करोड़ों लोगों को आप मैसेज, हाँ जो मेरे शो ने यह मैं इन्हों तरजीह नहीं दूंगी, गाने राही जिथे करोड़ों लोग आप ही सुनने वाले, मैं पंजाब के किसान पंजाब के मजदूर पंजाब दी धीआं भैणा सुन दियाँ, वोद राही असी स्नेहा जरूर देवे, क्योंकि छड़ी दी वो चीज़ होंगी जिहदा कोई नुकसान हो। पर हाँ बिल्कुल मेरी जिहड़ी पहली प्रेफरेंस है, मैनू कोई गीत का नहीं कोई किसी चीज़ का नहीं, जिथे मैनू कोई पंजाब की किसान जथेबंदी है मजदूर जथेबंदी है अध्यापक जथेबंदी है जिथे कह दूँ मेरी जिंदगी पंजाब लई समर्पित है। वो मैं थोड़ा जिहा मैं भी चैट कर देना, बल्कि मैं भी इन्हों जो मीटिंग हुई सी जिन्हें भी मीटिंग हुई मैं वो यही कहा कि जोड़ा तुहाडा परमात्मा ने कला दिती हुई है तुसीं उहनू छड्डियो ना, क्योंकि रोजी रोट रोटी लई जिहड़ा जिहड़ी साडी पॉलिटिक्स है ये साडा पैशन है, ये प्रोफैशन नहीं है, ठीक है ना। सो कोशिश तो पहले मैं भी की थी कि शायद मैं अपने सीरियल नूं कंटिन्यू कर लेंदा, पर 2014 जो मैं बनया जां 2012 जो मैं मनप्रीत नाल गया तां जिहड़ा पेचा जिहड़ा सुखबीर बादल होरां नूं, वो तो किसी नूं कम करन दिंदे ही नहीं। सो सुखबीर बादल होरी भी आपदे बिजनेस करते ने, खेतियां करते ने, ट्रांसपोर्टां करते ने, जरूरी नहीं है जी किसी किसान ने आम आदमी पार्टी या पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी उन्हें खेती छड़नी पेगी, ठीक है ना, जब किसी वकील ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी उन्हें वकालत छड़नी पेगी। सो नाल नाल जे इट्स अप टू हर के वो किन्ना टाइम पार्टी दे पाते हैं या किन्ना टाइम अपने प्रोफेशन नूं, पर पार्टी वालों इस तरह की कोई शर्त नहीं हैगी कि वो जिस कारण बिल्कुल सौखा। देखो वो मेरा वो मैटर करता कि केड़ा कलाकार कलाकारी नूं ये लैंदा कि मैं रब बन गया। मैं कभी मैं हमेशा आम इंसान बन के जिंदगी कढ़ी है, मैं इनू एक किते दे तौर ते लिया, मेरा शौक है उस चीज़ नूं लैके। पर इस चीज़ का यह कोई मतलब नहीं है कि मैं इस चीज़ नूं लैके कहूँगी कि मैं तो कोई स्टार हाँ जो कुछ भी हाँ, क्योंकि मेरा पहला फर्ज आ मेरे समाज प्रति अपने फर्जा निभाना। सो कोई टीचर आ कोई अध्यापक आ कोई वकील आ कोई जज आ, सब तो पहला वो समाज प्रति भी फर्ज बनते हैं, ये थोड़े हर एक बंदे ते डिपेंड करता कि किनू अपने समाज ना किन्ना प्यार है। सो मैनू इन्हां चीज़ों का कोई नहीं है, मेरे लिए मैनू लोड़ पई तो मैं सब कुछ छड्ड भी सकदी हाँ, पर लोगों की मैं डिसाइड कर लिया कि मैं लोगों के हितों च खड़ी हाँ, खड़े रहना जदों तक मेरा आखिरी सांह चलदा। बाकी संगरूर मानसा ते बठिंडा जिले के टिब्बियां जमे हुए हैं जी, ठीक है ना, सानू ना तो डंगाइयां तो डर लगता ना उचाइयों तो लगता है। सो आम देसी घर देती हैं पुत आ रहे हैं तो चंगा, साढ़े MLA भी आमने नहीं नहीं फॉरन टूर का तो कोई ज़्यादातर मैं लगता मैं हूँ तो वैसी फ्लाइटा बंद ने फॉरन तो यह कहते सानू इधर लै जाओ नहीं नहीं कोई इस तरह की गल नहीं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है जिन्ना समय दे सकन मैक्सीम पार्टी लिए देने। नहीं देखो पहली गल तो है दोनों सवाल थोड़े ना, पहली गल तो यह कि BJP ने कोई पेटेंट राइट ले कलाकारां दे नहीं राते को तुर पे उदू पहला मैं नहीं सी, सब तो वध वोटां ते मैं पंजाब चो जित्तिया जी, बाद जे कहंदे रहे कल्ले चुटकले सुणाउंदा है ठीक है, जां लोक कहंदे सी लोक उहनू सुणन आउंदे ने, जो दूजी वारी हारे फिर उहनां नूं पता लग्गिया भी वोटां वी पाउंदे ने, ठीक है ना। पहला कलाकारां नूं सिर्फ ना इह आपदे रैलियां च कट करन जोगा समझदे सी कि इहनां दे नां ते कट हो जूगा चुल्हा, इहनां दे नां ते बल जूगा रोटियां असीं सेक लांगे। हुण तुसीं देख लो कलाकार भी आम इसे समाज का हिस्सा ने जी, उत्थे परेश रावल उत्थे रहा, हेमा मालनी अज उत्थे है, किरण खेर उत्थे, मुहम्मद सदीक जी उत्थे ने, वो लोगों ने नहीं भेजे जी बटाले तो असीं तां टिकट दित्ती सी, ठीक है ना। सो मतलब मुहम्मद सदीक जी MP ने, ठीक है ना, तो जे तुसीं कहो मनीष तिवारी उन्हां दा भोजपुरी सिंगर है, ठीक है ना, हंसराज हंस उत्थों MP है दिल्ली तो, सो ईवन जयललिता तक फिल्मां कर वो आके चले गए
उन्हें तो नहीं चलिया ना पहला पहला मेरे ते भी लाते सी जो मैं नवा नवा MP बनया मैं नैशनल मीडिया कहता सी जो कलाकार होते हैं वो मुंबई की उनकी चमक दम को नहीं छोड़ सकते तो फिर आप एक दो साल में वापस मुंबई चले जाओगे जो मैं हूँ उन्होंने मिलदा हूँ वो कहें नहीं यार तुहाड़ी गल होर है सो जिहदा जनून होवे ना तो वो नहीं जा सकता तो जिस तरह अनमोल ने कहा इहदा जनून है कि मैं लोगों की सेवा करनी है ये कोई मशहूरी वास्ते जां अखबारां च फोटोआं च पाउण वास्ते नहीं बल्कि अज तो बाद तां लोचना इहदे लभणगे भी इहदा दादा पेंचर लाउंदा सी इहदा परदादा गोभी वेचदा सी आलू कहिंदा सी वो पता नहीं की कढणगे कढी जाण कोई प्रॉब्लम जी जी जिहड़ा तुसीं हुणे सवाल कीता ना मैटर इह करदा वी के नहीं मैटर करदा कोई कलाकार आ कोई टीचर हो सकदा टीचर भी फेल हो जाए हो सकदा वकील भी फेल हो जाए हो सकदा कलाकार भी फेल हो जाए मैटर ये करदा तुसी इंसान किदां दे आ थोड़े ते समाज दी सेवा करन दी इच्छा किन्नी आ ये तो नहीं भी कलाकार दीआं भावनावां मर जांदीआं मैं जिद्दण दी 5 साल हो गए मैनूं कलाकारी च भाजी 5 सालां दी हर स्टेज उत्ते मैं सरकारां दे खिलाफ रोस प्रगट कीता पर मैनूं कोई संगठन नहीं मिल रहा सी जिन्हां दे नाल अज मैनूं इह जिहा हुण दिल्ली दा रिजल्ट आए ने भाई जी क्योंकि गलती कर ली नहीं नहीं जो हुण इस टाइम रिजल्ट आए ने जो उन्हां दी हुण इस टाइम लहर चली है कम्मां दा नतीजा निकलिया सो मैं शामिल हुई हां मैं अपना फर्ज निभा रही हां पहला तो।